हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने हाजिर हो चुकी हूं आरआरबी एनटीपीसी के तैयारियों को लेकर। आपको मैं बता दूं, आरआरबी एनटीपीसी में अब आपको गिने चुने दिन ही बच रहे हैं। 15 दिसंबर को इसकी डेट जारी कर दी गई है। ऐसे में स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ही ज़्यादा टेंशन है कि किस तरीके की क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे हम इसकी तैयारी करेंगे। तो इसकी फुल सिलेबस, कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ने हैं, इसके लिए हमने आपको अलग से वीडियो बना कर रखा है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को अगर अच्छे तरीके से देख लेते हो तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी टेंशन नहीं होगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, मैं आपको यहाँ पर प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रही हूँ। तो यह आपका पार्ट 4 है। इसके पहले हमने इसके 3 पार्ट अपलोड करके रखा है, तो जिन लोगों ने वो 3 पार्ट नहीं देखा है वो हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर जरूर देख लो, क्योंकि ये सारे जो वीडियोस हैं वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होंगे। साथ ही साथ इसी तरीके के और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलो, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाए और आपकी तैयारियों में कोई भी रुकावट ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया, ये आपका 4th पार्ट है। इसके पहले के 3 पार्ट हमने अपलोड करके रखा है, उसमें हमने आपको 75 क्वेश्चंस करवा दिए थे और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं 2 अप्रैल को पूछे गए थे। अब हम आपको 76 नंबर क्वेश्चंस से यहाँ पे करवा रहे हैं। तो सवाल नंबर 76 कह रहा है, 12 मीटर और 17 मीटर लंबे खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके पैरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी क्या करो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हम इसे आसानी से बना सकते हैं। 2 खंभों की बात कर रहा है, यहाँ पे हमसे सीधी लाइनिंग यहाँ पे नहीं हो पा रही है, यहाँ पे इस तरीके से 12 मीटर और 17 मीटर। अब आपको कह रहा है कि आप करो क्या, कि यह जो है ज़मीन पे सीधे खड़े है, जो कि यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख नहीं रहा होगा सीधा, बट है सीधी, आपको इसे एज्यूम कर लेना है। अब यहाँ पे ये भी हमारी 12 हो गई, तो यहाँ पे हमारे पास बच गए 5 मीटर। कह रहा है उनके पैरों के बीच की दूरी है 12 मीटर, तो अगर यह 12 तो यह भी 12। अब आपको बताओ उनके शीर्ष छोरों के बीच की दूरी, यानी ये वाली लंबाई, तो अब आसानी से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एंड 12 एंड 5 जो है किसके साथ ट्रिपलेट बनाता है, तो 13 के साथ, तो ऑप्शन नंबर सी। कैसे किया, अगर हमने इसे ए बी और सी नाम दिया तो ए, हम जानते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, हमने आसानी से निकाल दिया 13 मीटर। सवाल नंबर 77, बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था, तो वह था यूरी गागरिन, जिसने बाह्य अंतरिक्ष में सबसे पहले यात्रा की थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 78, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था, तो यह शुरू किया गया था साल 1973 में। आपको मैं बता दूं, जो भारत में वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर शुरू की गई थी, यह 1973 में शुरू की गई थी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, ब्रह्मपुत्र नदी किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है, तो यह जो है चीन से भी प्रवाहित होती है, बांग्लादेश से भी होती है, भारत से भी होती है, यानी नेपाल से नहीं होती है। सवाल नंबर 80, भारतीय संविधान में जो उल्लिखित है आपातकालीन प्रावधान, यह किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो यह लिए गए हैं जर्मनी के संविधान से, ऑप्शन नंबर 4। अब कह रहा है सवाल, इसके पहले मैं आपको आपको यह कमेंट करके बताना होगा कि जो आपातकालीन प्रावधान है वह कितने तरीके के आपात लगाए जाते हैं, इसकी क्या क्या कंडीशंस है, बिल्कुल डिटेल में। जिन लोगों के भी अच्छे रिप्लाईज आएंगे उसे हम अगले वीडियो में उनके नाम ज़रूर से ज़रूर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 81, 90 मेज का क्रयमूल 60 मेज़ों के विक्रयमूल के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इसके यहाँ पर आपको मैं बता दूँ इसमें करना क्या होता है। कह रहा है 90 मेज का क्रयमूल 60 मेज के विक्रयमूल के बराबर है, तो जो विक्रयमूल के साथ है यानी 60 है उसे हम मान लेंगे कि यह क्रयमूल है, तो क्रयमूल आपका हो गया 60, और जो क्रयमूल के साथ है उसे हम मान लेंगे विक्रयमूल, तो विक्रयमूल है 90। अब आपसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, कितने की लाभ हुई, तो 30 की, कितने में, तो 60 में। 30 / 60 × 100 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 50 टाइम्स, यानी 50% लाभ हुआ, ऑप्शन नंबर।
इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्यूरीज है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, या फिर उसके लिए हमने आपको अलग से इंस्टा अकाउंट भी बनाया है जिस पर भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपको मैं यह भी बता दूँ, इंस्टा अकाउंट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर मैं आपको उसकी आईडी नेम बता देती हूँ, अर्चिता नैन है। आप वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर दो और मैसेज भी करो कि आपको क्या किस किस टॉपिक्स में प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। कह रहा है, एक 45 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों में से 5 सेंटीमीटर की भुजा के 4 वर्ग काटे गए और बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बना दिया गया, तो बॉक्स का आयतन क्या होगा? चलिए देखते हैं। इस तरीके से हमारे पास एक आयताकार चादर है, लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 35 सेंटीमीटर। अब कह रहा है इसके चारों कोनों से 5 सेंटीमीटर की भुजा काट ली गई। इस तरीके से हमने चारों कोनों से 5-5 सेंटीमीटर का 4 वर्ग काट लिया। अब आप देखो, जैसे ही हम चारों वर्ग काटते हैं, अब कह रहा है बची हुई चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया। इस तरीके से चारों वर्ग को काट लिए। अब आप जैसे ही एक खुला बॉक्स बनाओगे, तो इसमें होगा क्या, जो बाहरी यहाँ पे हिस्सा होता है, जैसे कि ये वाले हिस्सा जो आपकी बची, फिर इधर आपकी ये वाले हिस्सा बची, और खुला बॉक्स बनाना है, तो ये सारा हिस्सा आपको ऊपर की ओर चला जाएगा। ऊपर की ओर जैसे ही चला जाएगा, फोल्ड करने पर ये सारा हिस्सा, ये हमारा साइड का हिस्सा बन जाएगा, जो कि ऊपर की ओर आपको दिखेगा, बाकी आपका खुला रहेगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, 45 में से 5 इधर कट गया, 5 इधर कट गया, यानी 35 हमारे पास बचे, और इधर 5-5 कटने के बाद 25 बचे। अब आपसे पूछ रहे हैं कि आप आयतन निकालो, और ऊपर जो खड़ा होगा हिस्सा वो आपका 5 सेंटीमीटर है। अब आयतन मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 35 गुना 25 गुना 5 हम कर देंगे, जो आपका आंसर आ जाएगा, जो कि 4375 होगा, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83। 8 के प्रथम 20 गुणक का औसत ज्ञात कीजिए। 8 का प्रथम 20 मल्टीपल का आपको औसत पूछ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 8 × 1 + 2 + …20 तक। अब 20 तक और औसत पूछ रहा है, तो डिवाइडेड बाई हम कर देंगे, 20 संख्या है 20, 8 मल्टीप्लाई बाई 1 से लेके 20 तक का सम होता है 20 मल्टीप्लाई बाई 21 डिवाइडेड बाई 2, यानी 210। तो 210 डिवाइडेड बाई 20, 0 से 0 कैंसिल 4 टाइम्स, यानी कि हमारा आंसर आ गया 84, ऑप्शन नंबर सी। अब कह रहा है, निम्नलिखित अनुच्छेद को उस पर आधारित प्रश्नों के लिए उपयोग करें। अब आप देखो, यहाँ पे आपको एक अनुच्छेद दिया गया है, इस पर आधारित नीचे प्रॉब्लम्स होंगे, उसे आपको सॉल्व करने हैं। कह रहा है, प्रिया, मोहित, गिरिजा, प्रीति, विजय, अनिल और रीटा गोलाकार मेज के चारों ओर मेज के सामने मुंह करते हुए बैठे हैं। रीटा, जो कि अविवाहित है, अपनी सबसे अच्छी दोस्त गिरिजा के बाई दूसरे नंबर पे सबसे पहले हमसे बात कितने लोगों की कर रहा है, तो यह हमसे बात कर रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोगों की। तो एक सर्कल में हम 7 लोगों को दर्शाएंगे, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4, 5, 6 और 7, इस तरीके से बन गया है। अब आपको कह रहा है रीता जो है अपने सबसे अच्छी दोस्त गिरिजा के बाएं दूसरे नंबर पर बैठी है। अगर हमने मान लिया कि हमने रीता को यहाँ पे बैठाया है, इस जगह पे रीता को, तो यह किसके बाई दूसरे नंबर पे बैठी है, तो गिरिजा के। तो गिरिजा को हमने एग्जैक्ट यहाँ पे बैठाया होगा, तब तो इसके बाई और दूसरे नंबर पे रीता हो गई। अब कह रहा है, जो अपने पति अनिल के बाई बगल में बैठी है, तो अनिल इसके जस्ट बगल में यहाँ पे बैठा होगा। अब कह रहा है, प्रिया उसके पति विजय के बाईं तरफ दूसरे नंबर पर है, और मोहित अपनी पति प्रीति और विजय के बीच में बैठा है। मोहित जो है अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच में बैठा है, तो 3 लोगों की जगह तो हमें बस यहीं पे दिख रही है, तो एग्जैक्ट यहाँ पे मोहित होगा। अब आपसे बोल रखा है, यह प्रीति और विजय के बीच में बैठा है, और प्रिया विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पे है, तो अगर हम विजय को एज्यूम करते हैं कि हमने यहाँ पे विजय को रखा है, तो इसके बाईं और तीसरे नंबर पे प्रिया आ रही है या नहीं? अगर हम इसके बाईं और तीसरे नंबर पे प्रिया को रखते हैं, 1, 2 बाईं तरफ दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे हमें नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमें मोहित को प्रीति और विजय के बीच में बैठाना है, तो हम यहाँ पे रखेंगे किसे, तो
यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा मोहित को। इस जगह पे हम किसे रखेंगे? तो मोहित को रखेंगे। जैसे ही हम इस जगह पे मोहित को रखते हैं तो हमारा क्वेश्चन सॉरी विजय को रखते हैं, जो कि हमारा मोहित और प्रिया जिसके बीच में बैठे हुए थे, तो यहाँ पे हमने विजय को रखा। जैसे ही हमने यहाँ पे विजय को रखा, अब आप देखो मोहित अपनी पत्नी प्रीति और विजय के बीच में है, तो यहाँ पे आपकी विजय प्रीति हो जाएगी। और अब हम आसानी से निकाल सकते हैं कि प्रिया कहाँ पे होगी, तो कुछ इस जगह पे प्रिया है। अब आसानी से हमारे पास क्वेश्चन निकल कर आ चुका है। अब चलिए देखते हैं। कह रहा है कि गिरिजा विजय के बाईं तरफ तीसरे नंबर पर है, क्या यह सही है? गिरिजा गिरिजा बाईं तरफ तीसरे नंबर पे, एक दो, जी नहीं, यह तो गलत है। इसी तरीके से हम जैसे ही सारे को मिलाएंगे तो कह रहा है प्रिया रीता के बिल्कुल दाईं बगल में है, बिल्कुल सही है। प्रिया जो है रीता के बिल्कुल दाईं बगल में है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। अगले इसी तरीके से इसी पे आपके दो क्वेश्चंस और हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। कह रहा है यदि एक्स 3, 9, 3, 11 से विभाजित होते हैं तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्याएं एक्स का मान ज्ञात करें। एक्स 3, 9, 3 इसके बारे में कह रहा है कि यह 11 से डिविजिबल है, तो हमें करना क्या होता है 11 से डिविजिबिलिटी के लिए? एक से एक छोड़ के ऐड करना होता है। तो हमने ऐड किया तो 9 + x + 6, और इन दोनों का जो अंतर होता है वो या तो 0 या तो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर हमने यहाँ पे 0 रखा तो x + 3 = 0, तो x जो है यहाँ पे -3 दे रहा है, तो जी नहीं, हम यहाँ पे 11 रख के देखेंगे, क्योंकि 11 भी हो सकता है इसका डिफरेंस। तो x की वैल्यू आ गई 8, ऑप्शन नंबर 3। अगला सवाल है सवाल नंबर 88। अनीता अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है, तो अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है? अनीता जो है अर्जुन के मामा के पिता यानी कि अर्जुन के नाना की इकलौती बेटी है, यानी कि अर्जुन की माँ है, तो अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है? तो माँ है, ऑप्शन नंबर बी। अब आपको कह रहा है कि इसका एलसीएम निकालो, तो इसका एलसीएम हम बस मल्टीप्लाई करके ही निकाल सकते हैं, जो कि मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाता है 114114। अगला सवाल है सवाल नंबर 90। किस भारतीय राज्यों में से केसर की खेती की जाती है? तो जम्मू कश्मीर में की जाती है, ऑप्शन नंबर ए। कह रहे किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की है? तो एक्स किरणों की खोज की थी विलहेम रोन्जन ने, ऑप्शन नंबर ए। अब आपको कह रहा है इसमें आप चिन्ह का समुच्चय लगाओ। अगर ऑप्शन नंबर ए को चेक करें तो बीच में अगर डिवाइड रखते हैं तो 5/6 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को चेक करें, यहाँ पे अगर डिवाइड रखते हैं तो 12/5 नहीं पॉसिबल, फिर से नहीं पॉसिबल। अब यहाँ पे आप देखो 84/12 7 × 5 + 6 आ गया 41, यानी ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 93। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? तो समुद्री डंपिंग से जल प्रदूषण होता है, घर के कचरे से भी होता है, तेल से भी होता है, जबकि तट पर मछली पकड़ने से नहीं होता है, ऑप्शन नंबर 2। कह रहे हैं इस यमनी पत्रकार और राजनेता को मानव अधिकारों के क्षेत्र में उसके योगदान के लिए 2011 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वे कौन थे? तो ये हैं तबाकुल करमान, ऑप्शन नंबर बी। सवाल नंबर 95। भारत में जून से लेकर सितंबर बरसात का मौसम है, बिल्कुल सही बात है, जून से सितंबर बरसात का मौसम होता है, लेकिन निष्कर्ष कह रहा है कि भारत में हमेशा इन 4 महीनों के दौरान बारिश होती है, कोई ज़रूरत नहीं है, कभी कभी मार्च में भी अप्रैल में भी बारिशें हो जाती है, भारत में केवल बरसात के मौसम के दौरान बारिश होती है, यह भी गलत है। तो ना तो एक और ना ही दो तर्क संगत है, ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर 96, जो कि आपको डिस्पेरेंसी के कारण क्वेश्चन को हटा दिया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी एक फ्रांसीसी कॉलोनी नहीं थी? सवाल नंबर 97। कह रहा है एक दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरे त्रिभुज है डी ई एफ। अब कह रहा है बी सी की वैल्यू है 4, ई एफ की वैल्यू है 7, और ये दोनों समरूप है, और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है 144, तो डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आप जानते हो जैसे ही दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इसके जो भुजाओं का अनुपात होता है ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात का वर्गमूल होता है। अब हम देखते हैं इस चीज को।
तो हम कह सकते हैं बी सी डिवाइडेड बाई ई एफ का होल स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ। बी सी की वैल्यू है 4, ई एफ की वैल्यू है 7, इसका होल स्क्वायर बराबर है किसके, तो यह है हमारे 144 डिवाइडेड बाई वाट के। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 × 16, 16 × 144, तो ट्रायंगल डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना हो गया, तो 7 का स्क्वायर यानी 49 × 9 यानी 441, ऑप्शन नंबर 4। सवाल नंबर 98, पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किनके कारण लुप्त हो रही हैं, तो आवास विखंडन के कारण, ऑप्शन नंबर 4। अब आप कर रहे इसे मल्टीप्लाई करके बताओ तो यह आ जाएगा 23.472। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो यह थे मेंडलीफ, ऑप्शन नंबर सी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इसी तरीके के वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।